माइनस बी रूट आर स्क्वायर माइनस
ओमेगा ये फैक्टर क्या है आपका ओमेगा। अब क्या डेविएशन फाइंड किया था अपने दो प्रतिबंधों के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या था कि आपका माइनस टू जीरो के बराबर था, ये वैल्यू आप पुट कर दो तो ये क्या जाएगा कि माइनस आर ए प्लस बी क्या है आपका माइनस टू जीरो के बराबर है, तो माइनस टू जीरो प्लस ए माइनस बी रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर जीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब क्या है ये क्या हो गया कि आपका टू जीरो आर ए माइनस बी रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और यहाँ से a माइनस बी फैक्टर की वैल्यू निकाल लो वो क्या चाहिए आपकी a माइनस बी फैक्टर की वैल्यू माइनस टू जीरो आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो ये चीज आ रही है आपकी। a प्लस बी की वैल्यू माइनस टू जीरो प्राप्त हुई है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके माइनस टू जीरो आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर प्राप्त हुई है। अब क्या है इन दोनों प्रश्नों की आपस के अंदर तुलना करके ए और बी फैक्टर की वैल्यू को क्या है आप निकाल सकते हो। आपके माइनस
ओमेगा 0 स्क्वायर और 0 बाय 2 क्या होता है माइनस 0 बाय 2 कॉमन नहीं है तो ये क्या बनेगा भी आपका 1 और माइनस माइनस प्लस होना पड़ेगा तो आर रूल आर के माइनस आपको मिलेगा ये ये चीज क्या आती है आपके बी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी ए फैक्टर की वैल्यू माइनस वन बाई माइनस टू जीरो बाई टू वन प्लस आर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर आगे बी फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू जीरो बाई टू वन माइनस बाकी प्लस और माइनस दोनों का साइन के अंदर से भी चेंज आ गया और वैल्यू क्या है कि सेम प्राप्त हुई है यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो क्या है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या देंगे क्यू इक्वल टू ईसी ठीक है अब ईसी पुट करेंगे ईसी अपना किसके इक्वल होता है क्या आपका क्यू जीरो के बराबर होता है ये चीज तो हमने फाइंड की थी किसके बराबर होता है क्या आपका क्यू जीरो के ए ये वैल्यू है माइनस क्यू जीरो बाई टू वन प्लस आर ऑन रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर और ए की पावर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर टी और बी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस क्यू जीरो बाई टू वन माइनस आर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर और ए की पावर माइनस आर के माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर ये चीज आ गई और जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या है एलसीआर परिपथ में समय के साथ आवेश के मान में चर घातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है आवेश के मान में चर घातांकीय वृद्धि को प्रदर्शित करती है अब इसका जो ग्राफ हम करेंगे आवेश का वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे अच्छे से डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में क्या है अपना जो ग्राफ ये हो गया ये हो गया ये हो गया आपका हम ग्राफ खींचते हैं तो आवेश क्यू में और दूसरा समय पी एक तो आवेश क्यू और समय पी के मध्य के हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे क्यू जीरो के आवेश का मैक्सिमम आवेश है ठीक है उस बात के अंदर तो क्या है विपरीत धारा का प्रभाव पर भी हो जाता है ये बात को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं अब तीन कंडीशनों की बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी आर ग्रेटर देन ओमेगा जीरो हो और आर लेस देन ओमेगा जीरो जबकि प्रिपर की नेपर आवृत्ति आर ओमेगा जीरो से क्या हो भी ज्यादा हो तो उस कंडीशन के अंदर आवेश का मान क्या है विचल जाता है जो रूप से वृद्धि करता है अंत में क्या हो जाता है वे स्थायी आवास स्थायी आवेश क्या है प्राप्त कर लेता है और जब आर इक्वल टू ओमेगा जीरो की कंडीशन हो परिपथ में धारा का मान क्या है विचल जाता है रूप से वृद्धि करता है शीघ्रता से क्या है बी स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है जल्दी से और जब ये कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अंदर आवेश का मान क्या है बे अवमंदित दोलन करता हुआ बे अवमंदित है दोलन करता हुआ क्या है स्थायी अवस्था प्राप्त करता है ये कंडीशन ये दो
इस प्रकार से क्या है कि तीनों के ग्राफ क्या है प्राप्त होते हैं, तीनों ही क्या है चर घातांकीय वृद्धि को क्या कहते हैं कि प्रदर्शित करते हैं। सॉरी आर लेस टू ओमेगा 0 जब फर्स्ट कंडीशन मतलब कि अभ्यास इसके मान में चर घातांकीय वृद्धि होती है और ये अनंत में स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। जब आर इक्वल टू ओमेगा 0 हो उस कंडीशन के अंदर आवेश के मान में चर घातांकीय रूप से वृद्धि होती है, वशीकरता से स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है, इसकी अपेक्षा टाइम क्या होता है कम लेता है। जब आर लेस देन ओमेगा 0 हो तब क्या है भी अवमंदित दोलन करता हुआ क्या है अपनी स्थायी अवस्था को क्या है भी प्राप्त करता है। और तीनों भी कंडीशन आवेश के मान में चर घातांकीय वृद्धि को क्या करती है भी प्रदर्शित करती है। इस फैक्टर के होने के बाद क्या है हम डिस्कस करते हैं कि एलसीआर परिपथ का बैंकिंग द्वारा निरावेशन या कि एलसीआर परिपथ का निरावेशन क्या होता है। ये तो आवेशन की कंडीशन हो गई। अब जिस प्रकार आरसी परिपथ है उसी प्रकार आरएल परिपथ है, उसी प्रकार के अभ्यास का एलसीआर परिपथ है। तीनों क्या है सिलेंडर में जुड़े हुए हैं और बैटरी से उनको क्या है जोड़ते हैं। ये कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये क्या है समांतर क्रम में भी क्या होंगे जुड़े हुए होंगे और उनको एक कई बार बैटरी से भी जोड़ सकते हैं या अभी क्या धारा से भी जोड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशनों में किस प्रकार का बिहेवियर होगा वो भी क्या है इसी यूनिट के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है आपका एलसीआर परिपथ का निरावेशन। एलसीआर परिपथ का निरावेशन क्या है हम डिस्कस करते हैं। बी ए था ये बैटरी थी पॉजिटिव नेगेटिव ये कुछ ये थी ये टर्मिनल था ये क्या है डी टर्मिनल था ये कॉइल लगे हुए थे ये संधारित्र था ये रेजिस्टेंस था ये था। जब ये कुंजी के को क्या है मोर्स कुंजी के को क्या बिंदु ए से जोड़ देते हैं तब परिपथ में क्या होता है धारा का प्रवाह है होता है और धारा के मान में वृद्धि होती है और संधारित्र का क्या होता है आवेशन होता है ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है संधारित्र के ऊपर विभवांतर का मान परिपथ के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है तो परिपथ में धारा क्या हो जाती है भी बंद हो जाती है। अब जो है कि ए पॉइंट को क्या है कि कुंजी के को क्या है बी पॉइंट से जोड़ देते हैं तब क्या होता है भी संधारित्र का क्या हो जाता है अनावेशन होना स्टार्ट हो जाता है। संधारित्र का अनावेशन का मीन्स विसंधारित्र के ऊपर आवेश की मात्रा में कमी होनी स्टार्ट हो जाती है और परिपथ में धारा के मान में ही क्या हो जाती है भी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है। अब क्या है उसके बारे में भी हम क्या है भी डिस्कस करते हैं वो देखिएगा कि इस प्रकार से होगा। अब जब कुंजी बी से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर बैटरी का जो कनेक्शन होता है वो क्या हो जाता है भी जीरो हो जाता है। तो समीकरण एक से अनावेशन की स्थिति में क्या होता है भी अनावेशन की स्थिति में इक्वल टू क्या होता है भी आपका जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका एल तुल्य होता है यहाँ पे आवेशन की स्थिति में क्या होता है जीरो होता है तो परिपथ की रचना से क्या हो जाएगा भी ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी एल डी आई क्वांटिटी प्लस आई आर प्लस क्यू ओ क्वांटिटी। धारा की डेफिनेशन से
करेंगे भी आप सेम रिलेशन फाइंड करेंगे भी ये देखते हैं अपना आई इक्वल टू क्या होता है ये डी क्यू अपॉन डी टी होता है डी आई अपॉन डी टी क्या होता है आपका डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर होता है आई का सर क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है डी आई अपॉन डी टी क्या होता है आपका डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर होता है ये चीज क्या है इस रिलेशन के अंदर पूछा देते हैं एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आई आर के अंदर जो आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो ये प्राप्त हो गई आपके अब क्या है विप्रोक्स निकल गए एल का भाग दे देना वो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू इक्वल टू सी एल इक्वल टू जीरो ये चीज क्या हो गई आपके प्राप्त हो गई दो चीज चीजें एक तो ओमेगा जीरो क्या होता है आपका आर अपॉन सॉरी वन अपॉन रूट एल सी ये क्या होता है आपके अनुनादी कोणीय आवृत्ति क्या होती है आपके अनुनादी कोणीय आवृत्ति और आर क्या होते हैं आर अपॉन टू एल ये क्या होती है आपके नेपर आवृत्ति होती है आर अपॉन टू एल क्या होती है आपके नेपर आवृत्ति होती है सेम प्रोसेस वही है बस डेरिवेशन इसका काफी ज्यादा लंबा है और कोई बात नहीं इसी का भी श्रीधर आचार्य विधि द्वारा क्या सॉल्यूशन करते हैं वहां भी क्या होता है
ax2 + bx + c = 0 हो, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो -b + √3a - 4ac / √3a क्या होती है भी बराबर करते हैं। ये चीज क्या है, यहाँ से क्या है क्योंकि फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू क्या आता है। ये आपके सामने अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा क्या है -2r + -b² क्या जाता 4r² - 4a क्या जाता 1 ओमेगा 0² / 2। अल्फा इक्वल टू क्या होता है -2r + -2 क्या होता है आपका क्या आएगा उससे बड़ा 2 हो जाएगा r² - ओमेगा 0² /